hello and welcome students today we'll be starting with a new chapter factorization in this chapter you'll going to learn how to factorize certain given algebraic expressions but before that let us understand that what is factorization factorization by definition is writing an expression as products of two or more factors what फैक्टराइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम कोई भी एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं एज प्रोडक्ट्स दो या दो से ज्यादा टर्म्स या उसके फैक्टर्स के अंदर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ थर्टी सिक्स को फैक्टराइज करना है तो आप उसको थ्री इंटू ट्वेल्व लिख सकते हो वन इंटू थर्टी सिक्स भी लिख सकते हो टू इंटू एटीन भी लिख सकते हो फोर इंटू नाइन भी लिख सकते हो राइट right? इन सभी केसेस में आपने 36 को फैक्टराइज किया है राइट right? फैक्टराइजेशन का डेफिनेशन क्या लिखा है हमने आगे फैक्टराइजेशन इज राइटिंग एन एक्सप्रेशन एस प्रोडक्ट्स ठीक है जो भी दिया है उसको प्रोडक्ट के फॉर्मेट में लेके आ जाओ प्रोडक्ट माने मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में ऑलराइट सो right? so, मैंने 36 को यहां पे 3 12 के टर्म्स में लिख दिया यानी मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया तो इसका फैक्टराइजेशन हो चुका है

जितने भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है कोई भी उसको अगर फैक्टराइज करना है तो कैसे करेंगे लेट एस लर्न हाउ टू फैक्टराइज एनी गिवन एल्जुब्रिक एक्सप्रेशन एज ऑफ नाउ वी डोंट हैव अ फॉर्मूला कोई फॉर्मूला नहीं है कोई प्री डिफाइंड प्रोसीजर नहीं है कि बस ये फॉलो करो और आंसर आ जाएगा तुम्हारा बट हम लोग के पास कुछ टेक्निक्स है जो ऑब्जर्वेशन से डेवलप की हुई है लोगों ने बहुत सालों से और उसको हम अब यूज करते हैं टू फैक्टराइज एनी गिवन एल्जुब्रिक एक्सप्रेशन First technique is greatest common factor, right? Taking out the common factor in short. Second, grouping of terms. Third, grouping with perfect trinomials. Fourth, splitting the middle term or quadratic expressions method. And fifth and the last topic, using algebraic identities. राइट तो right? so, पूरे चैप्टर के अंदर हमको ये पांच टेक्निक से फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं ये चीज सीखनी है आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको पहली तीन टेक्निक्स के बारे में बताऊंगा और सब्सिक्वेंट वीडियो में अगली दो टेक्निक्स को कवर कर लेंगे तो लेट इस बिगिन विद द फर्स्ट टेक्निक ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर और टेकिंग आउट कॉमन टर्म्स इसको शॉर्ट फॉर्म में स्टूडेंट्स हम लोग जीसीएफ मेथड भी बोलते हैं इस मेथड के अंदर हम लोग जितनी भी टर्म्स दी हुई है एक्सप्रेशन के अंदर उसमें से कोई एक ऐसी टर्म जो सब में कॉमन है वो पूरे एक्सप्रेशन में से बाहर निकाल देते हैं। और एक ब्रैकेट बना के अंदर जो जो चीज बच गई है वो कॉमन फैक्टर बाहर निकालने के बाद वो एज इट इज लिख देते हैं एग्जाम्पल देखो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल अगर बोला है फैक्टराइज एट ए बी प्लस ट्वेल्व ए स्क्वा बी राइट तो यहां पर स्टूडेंट्स मैंने इसे ऑलरेडी फैक्टर के फॉर्म में ब्रेक करके आपको दिखाया है आपको एग्जाम्स के अंदर ये चीज करने की जरूरत नहीं है यू कैन डायरेक्टली फैक्टराइज इट ऑल राइट सो यहाँ पे मैंने इसको फैक्टराइज कैसे किया है जो एट ए बी स्क्वायर है उसको इस तरह से ब्रेक कर दिया है ये एट हो गया दिस इज एंड दिस इज बी स्क्वायर यहाँ पे ट्वेल्व ए स्क्वायर बी है उसको कैसे किया है दिस इज ट्वेल्व दिस इज ए स्क्वायर एंड दिस इज बी ऑल राइट अब मुझे बताओ कि इसमें से कॉमन कौन से कौन सी टर्म्स है तो एक फर्स्ट टर्म में फोर है यहाँ पे तो सेकेंड टर्म में यहाँ पे फोर है एक ए है यहाँ पे फर्स्ट टर्म में सेकेंड टर्म में यहाँ पर ये रहा ए थर्ड फर्स्ट टर्म में बी है यहाँ पे और सेकेंड टर्म में भी बी है यहाँ पे यानी कि ये फोर ये ए और ये बी फोर ए बी इन दोनों टर्म्स के अंदर कॉमन है तो हमने फोर ए बी को बाहर निकाल दिया एक्सप्रेशन के तो अब एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा तो फर्स्ट टर्म में जितने टर्म्स निकल गए उसको छोड़ के क्या बचता है टू और बी यानी कि टू बी बचता है और सेकेंड टर्म में थ्री ए बचता है तो वो टू बी और थ्री ए एज इट इज हमने ब्रैकेट बना के लिख दिया दिस इज हाउ GCF मेथड वर्क्स, ठीक है जो भी कॉमन है उसको बाहर निकाल दो और जो बचा हुआ एक्सप्रेशन है उसे ब्रैकेट तो. एग्जाम्पल से समझते हैं फैक्टर टू एक्स माइनस फाइव आई टाइम्स थ्री एक्स प्लस फोर वाई माइनस सिक्स टाइम्स टू एक्स माइनस फाइव 6 टाइम्स एक्स माइनस वाई ठीक है अब देखो इसको बिना ब्रेक किए हम लोग करने वाले तो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दो ही टर्म है यहाँ पे उसमें से एक ब्रैकेट आपको कॉमन दिख रहा है जैसे एट और ट्वेल्व में से फोर कॉमन निकला था उसी तरह से टू और सिक्स में से हम थ्री को कॉमन निकाल सकते हैं एंड ये अपना ब्रैकेट तो पूरा का पूरा कॉमन है ही दोनों के अंदर और राइट right? तो टू और वो ब्रैकेट अगर हमने कॉमन निकाल लिया तो क्या बचेगा हमारे पास एक्सप्रेशन में फर्स्ट टर्म में सिर्फ थ्री एक्स प्लस फोर वाई वाला एक ब्रैकेट बचा होगा एंड सेकेंड टर्म के अंदर जो नंबर सिक्स है उसमें से टू को बाहर निकाला लेकिन थ्री वहां पे और बच जाएगा और x माइनस वाई एक ब्रैकेट बच जाएगा द्री इंटू एक्स माइनस वाई सेकेंड टर्म का बचा हुआ पार्ट है तो हमने ये बाहर निकाला यहाँ पे ब्रैकेट बनाया बॉक्स ब्रैकेट और उसके अंदर एक्सप्रेशन की ये दो बची हुई चीजें एज इट इज लिख डाली ठीक है तो अब जब यहां पे आप ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करोगे माइनस थ्री को अंदर डालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा थ्री एक्स प्लस फोर वाई एज इट इज एंड देन माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री वाई यहां पे यू कैन सी माइनस थ्री एक्स एंड प्लस थ्री एक्स कैन बी कैंसल्ड आउट सो क्या रह जाएगा अपने पास प्लस फोर वाई प्लस थ्री वाई विच इज सेवन वाई तो आपको मिल जाता है टू टाइम्स टू एक्स माइनस फाइव वाई टाइम्स सेवन वाई तो यह आपका फैक्टराइजेशन पूरा हो सकता है बट जस्ट फॉर मोर सिंप्लीफिकेशन टू इंटू सेवन वाई फोर्टीन वाई आप लिख सकते हैं ठीक है तो जब भी फैक्टराइज कर रहे हो मेक श्योर दैट यू इट टिल एंड कंप्लीटली उसको फैक्टराइज करो और एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में उसको एक्सप्रेस करना होता है तो फर्स्ट टेक्निक समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स कोई भी ऐसे एक्सप्रेशन में अगर आपको सभी टर्म्स में कोई एक कॉमन टर्म्स दिखती है तो उसको बाहर निकाल लो और ब्रैकेट बना के जो एक्सप्रेशन के बचे हुए हिस्से हैं उसे एज इट इज वहां पे लिख डालो और राइट मूविंग ऑन टू सेकेंड टेक्निक दैट इज ग्रुपिंग ऑफ टर्म्स इस टेक्निक के अंदर हम लोग सारी टर्म्स में से कोई कॉमन टर्म नहीं ढूंढ पाते हैं. तो हम क्या करते हैं कुछ टर्म्स को सिलेक्ट करते हैं जिसमें कोई कॉमन टर्म आती है और फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं देखो एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर हो जाएगा अगर मैं बोल रहा हूं फैक्टराइज करो 16 टाइम्स a प्लस बी द होल स्क्स फोर ए माइनस फोर बी तो अगर आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हो तो फोर जो नंबर है उसे हम तीनों टर्म के अंदर से बाहर निकाल सकते हैं कौन कौन सी टर्म है पहले यहां पर होल स्क् माइनस फोर ए माइनस फोर बी ये तीन टर्म है उन तीनों के अंदर फोर एक नंबर है जो कॉमन आ रहा है बट उसके अलावा देखो अगर मैं यहां पे इन दोनों को ग्रुप कर दू राइट फोर ए माइनस फोर बी को और उसमें से माइनस फोर को कॉमन निकाल लू तो देखो मुझे क्या मिलेगा सिक्सटीन टाइम्स ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स ए प्लस बी ठीक है साइन चेंज हो गई क्योंकि हमने माइनस फोर को बाहर निकाला है ऑलराइट right. अब ये दो टर्म्स के अंदर हमारे पास एक ये नंबर कॉमन आ रहा है दोनों में फोर फोर और ए प्लस बी पूरा का पूरा ब्रैकेट भी कॉमन आ रहा है सो फोर टाइम्स ए प्लस बी मैं इस एक्सप्रेशन में से बाहर निकाल सकता हूँ तो so, अंदर मेरे पास क्या बच जाएगा सिक्सटीन में से एक फोर निकल गया तो वहां पे एक फोर रह जाएगा ए प्लस बी द होल स्क्वायर यानी कि दो ए प्लस बी थे वहां पे उसमें से एक निकाल दोगे तो एक रह जाएगा यानी फर्स्ट टर्म में फोर टाइम्स ए प्लस बी ब्रैकेट के अंदर बच गया है वो हमने एज इट इज लिख दिया और सेकेंड टर्म पूरी की पूरी बाहर निकल गई है तो वहां पर क्या बच जाता है वन बच जाता है ठीक है अब फोर टाइम्स ए प्लस बी को जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो यू विल गेट योर फाइनल आंसर एज फोर टाइम्स ए प्लस बी टाइम्स फोर ए प्लस फोर बी माइनस वन एंड दैट विल बी कॉल्ड एज द कंप्लीट फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन ठीक है अगर आपने पहले सिर्फ फोर निकाल दिया होता और ए प्लस बी नहीं निकाला होता तब भी वो फैक्टराइजेशन कहा जाता लेकिन वो कंप्लीट नहीं है ठीक है मूविंग ऑन एक और एग्जांपल देखते ए स्क्वायर प्लस बी माइनस ए माइनस ए को फैक्टराइज करना है ऑल यहां पे देख लो कितने टर्म्स है पहले तो चार टर्म है ए स्क्वायर बी ए एंड ए अब इसमें से कुछ ऐसी टर्म्स को एक साथ ग्रुप करेंगे जिसमें कुछ कॉमन आता हो तो मुझे क्वेश्चन देख के ये पता चल गया कि बी जो लेटर है वो सिर्फ इन दोनों टर्म्स के अंदर आता है सिर्फ इन दोनों के अंदर आता है राइट right? तो मैंने इन दोनों को एक ग्रुप में कर लिया ताकि उसमें कुछ कॉमन मिल जाए और बाकी बचे दो अपने आप ही एक ग्रुप में आ जाएंगे सो रीअरेंजिंग द टर्म्स इन सच वे वी कैन गेट ए स्क्वायर माइनस ए एज अ फर्स्ट ग्रुप एंड माइनस ए बी प्लस बी एज सेकेंड ग्रुप ठीक है कुछ हमने हमने कुछ चेंज नहीं किया है सिर्फ टर्म्स को रीअरेंज किया है नाउ टेकिंग फर्स्ट टू एज वन ग्रुप एंड लास्ट टू एज वन ग्रुप देखो उसमें कॉमन क्या क्या निकल रहा है पहले दो टर्म में से ए कॉमन निकल सकता है और दूसरे वाले ग्रुप के अंदर से माइनस बी को कॉमन निकाल सकते हैं तो क्या मिल जाएगा आपने को पहले में से ए कॉमन निकाला तो फर्स्ट ग्रुप में से क्या बच जाएगा ए स्क्वायर में से ए गया तो ए बचा और माइनस ए में से ए गया तो माइनस वन बचा लास्ट ग्रुप में माइनस बी को कॉमन निकाला तो ए बी में से बी निकल गया तो ए बचेगा और बी में से बी निकल गया तो वन बचेगा और प्लस साइन का माइनस इसलिए हो गया क्योंकि हमने माइनस बी को बाहर निकाला था अब इसमें से ए माइनस वन ए माइनस वन पूरा ब्रैकेट ही कॉमन है दो टर्म्स में उसको ही कॉमन निकाल लिया तो फर्स्ट एक्सप्रेशन ए रह जाएगा और सेकेंड एक्सप्रेशन में बी रह जाएगा दिख रहा है यहाँ पे ए माइनस वन और ये ए माइनस वन हमने कॉमन निकाल लिया है बाहर तो फर्स्ट टर्म में सिर्फ ए बच जाएगा और सेकेंड टर्म के अंदर सिर्फ माइनस बी बच जाएगा जो ए माइनस बी ये ब्रैकेट के अंदर आ गया और ये आपका फैक्टराइजेशन भी हो गया समझ में आ रहा है ये चीज तो ऐसे ग्रुप करना है टर्म्स को कि उसमें से कुछ कॉमन निकले और उसके नेक्स्ट स्टेप में फर्दर वो ब्रैकेट्स भी कॉमन आ जाए राइट right? तो यहाँ पे हम ग्रुपिंग मेथड से फिर से जीसीएफ मेथड पे पहुंच गए देखो इस स्टेप के अंदर हमने दो-दो का ग्रुप बनाया था तो ये सेकेंड स्टेप में आके हमने जीसीएफ लगा दिया राइट right? a 1 a 1 दोनों में कॉमन था और बाहर निकाल दिया ठीक है एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं फैक्टराइज m (a 3b) 2 n 3b a 5a 15b ठीक है तो यहां पे मुझे फर्स्ट दो टर्म्स एक जैसे दिख रहे और लास्ट दो टर्म्स एक जैसे दिख रहे लास्ट दो टर्म्स में, नंबर्स और और टर्म्स के अंदर दे आरिंग समी बी ए माइनस थ्री बी थ्री बी माइनस ए यही सब चीज़ है राइट right? सो so, अगर मैं लास्ट वाला जो ग्रुप है फाइव ए माइनस फिफ्टीन बी में से फाइव को कॉमन निकालो तो मुझे क्या मिल जाता है माइनस थ्री बी यस yes. अब यहां पे हमारे पास तीन टर्म्स है फर्स्ट टर्म ये सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म इन तीनों के अंदर ए माइनस थ्री बी ब्रैकेट आ रहे हैं लेकिन मिडल टर्म के अंदर उस ब्रैकेट का रिवर्स हो गया है ए माइनस थ्री बी नहीं थ्री बी माइनस ए हो गया है तो स्टूडेंट्स याद रखना जब भी ब्रैकेट के टर्म्स को स्विच करना है पहले में दूसरे दूसरे में पहला ऐसा करना है तो उसमें से सिर्फ माइनस साइन को बाहर निकाल लो अगर इस वाले ब्रैकेट से आप माइनस का साइन सिर्फ बाहर निकाल दोगे तो संदर के साइंस चेंज हो जाएंगे ये जो माइनस ए है विल चेंज टू प्लस ए और वो आगे आ जाएगा प्लस थ्री बी वो माइनस थ्री बी बन के पीछे चला जाएगा एंड यू विल गेट ए माइनस थ्री बी ठीक है और वो माइनस साइन बाहर निकालने की वजह से ये प्लस का माइनस हो जाता है तो अब देखो स्टूडेंट्स तीनों के तीनों टर्म में हमारे पास एक कॉमन ब्रैकेट आ गया यानी कि फिर से हम जी सी एफ मेथड यूज कर सकते हैं ए माइनस थ्री बी को थ्रू आउट कॉमन ले सकते हैं तो फर्स्ट टर्म में हमारे पास क्या रिमेनिंग पार्ट बच जाएगा एम बच जाएगा और ए माइनस थ्री बी एक ब्रैकेट बचेगा क्योंकि वहां पे होल स्क्वायर है तो एक्चुअल में वहां पे दो थे उसमें से हमने एक कॉमन निकाला और एक वहीं पे रह गया लाइक दिस सो एम टाइम्स ए माइनस थ्री बी इज द लेफ्ट ओवर पार्ट ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस एन इज द लेफ्ट ओवर पार्ट फ्रॉम सेकेंड टर्म एंड प्लस फाइव इज द लेफ्ट ओवर पार्ट फ्रॉम थर्ड टर्म राइट right? और जैसे ही वो ब्रैकेट आप सिंप्लीफाई करोगे एम टाइम्स तो आपको मिल जाएगा एम ए माइनस थ्री एम बी माइनस एन प्लस फाइव एंड दिस नाउ कैन नॉट बी फर्दर फैक्टराइज यहां पे आप बोल सकते हो कि ये कंप्लीट फैक्टराइजेशन आपका हो चुका है ठीक है समझ में आ रहा है तो ग्रुपिंग यहाँ पे ऐसे ही करते हैं कि कोई स्टेप पे आके हमको जीसीएफ मेथड यूज करने का चांस मिल जाए और फिर वहां से कंप्लीट फैक्टराइजेशन पॉसिबल है मूविंग ऑन टू अनदर टॉपिक थर्ड टेक्निक क्या आ जाएगा ग्रुपिंग विथ परफेक्ट ट्राइनोमियल ये मेथड के अंदर ये टेक्निक के अंदर हम लोग तीन टर्म्स को एक साथ ग्रुप करते हैं सच दैट वो तीनों मिलके हमें ए प्लस बी द होल या ए माइनस बी द होल स्क्वायर दे सके जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला इज ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी तो इसमें तीन टर्म्स आया एक ए स्क्वायर हो गया एक टू ए बी हो गया और एक बी स्क्वायर हो गया तो अपने क्वेश्चन में भी अगर ऐसी कोई तीन टर्म्स है जो इनसे रिजेंबल करती है तो हम उन तीनों को एक साथ ग्रुप कर देंगे और फिर उसको एस होल स्क्वायर एक्सप्रेस कर देंगे जिससे उसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल है ठीक है कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें फॉर एग्जाम्पल फैक्टराइज ए स्क्वायर प्लस फोर बी स्क्वायर माइनस थ्री ए प्लस सिक्स बी माइनस फोर ए बी और अगर आपको ये नहीं पता है कि परफेक्ट ट्राइनोमियल किसे कहते हैं तो वेरी सिंपल वो जो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर ये तीन टर्म का जो ग्रुप है उसे परफेक्ट ट्राइनोमियल बोला जाता है क्यों ऐसा क्योंकि उसे हम एक होल स्क्वायर के ब्रैकेट में एक्सप्रेस कर सकते हैं ठीक है तो so यहां पे मैंने जब टर्म्स को एनालाइज किया तो मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर देखा यहाँ पे दूसरा एक स्क्वायर का टर्म देखा और यहां पे उन्हीं दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी देखा जैसे फर्स्ट ए स्क्वायर है उसमें ए यूज हो गया उसमें फोर बी स्क्र में बी यूज हो गया और उन्हीं ए और बी का मल्टीप्लीकेशन फोर ए बी में आ गया ये चीज सबसे ज्यादा हिंट देती है आपको कि कि इन तीनों को ग्रुप करके शायद दिस इज नॉट सर्टन ऐसा होगा तभी आपको परफेक्ट स्क्वास मिलेंगे ही बट पॉसिबिलिटी है कि मिल सकते हैं ठीक है तो हमने क्या कर दिया उन तीनों को एक साथ रखा एक साथ ग्रुप किया और बाकी दोनों को एज इट इज रहने दिया तो ये आ गया आपका वो तीन नंबर्स का ग्रुप और ये आ गया आपका वो बचा हुआ दो टर्म ठीक है अभी ये परफेक्ट ट्राइनोमियल है कि नहीं है ये कैसे चेक करेंगे तो क्या करने का स्टूडेंट्स जो दो टर्म स्क्वेयर्स की है सबसे पहले उसे कंप्लीट स्क्वायर के अंदर लिख दो कंप्लीट स्क्वायर मतलब क्या जैसे फोर बी स्क्वायर है उसमें स्क्वायर सिर्फ बी का है फोर का नहीं है तो आपको टर्म्स को ऐसे लिखना है कि वो सबका स्क्वायर रहे जैसे कि आई कैन राइट ए स्क्वायर एज ए का स्क्वायर फोर बी स्क्वायर आई कैन राइट इट एज टू बी का स्क्वायर राइट दिखाई दे रहा है यहाँ पे फोर बी स्क्वायर को हमने टू बी का स्क्वायर लिखा हुआ है इस तरह से कंप्लीट स्क्वायर लिख दो और जैसे ही आपको ये दो टर्म कंप्लीट स्क्वायर में मिल गए उसके ब्रैकेट्स के टर्म का प्रोडक्ट यानी कि ए फर्स्ट ब्रैकेट से आ रहा है और टू बी सेकेंड ब्रैकेट से आ रहा है इन दोनों के आगे यहाँ पे टू लगा दो और चेक करो कि आपको ये वाला मिडिल टर्म मिलता है तो यहां पे मिल रहा है टू टाइम्स a टाइम्स टू बी इज फोर ए मिल रहा है तो ये परफेक्ट ट्राइनोमियल है कभी ऐसा भी हो सकता है कि इसमें आपको परफेक्ट ट्राइनोमियल ना मिले तो हम उसे कोई दूसरी टेक्निक से फैक्टराइज कर सकते हैं सो एज ऑफ नाउ आई कैन राइट द फर्स्ट थ्री टर्म्स एज समवंस होल स्क्वायर बट किसका होल स्क्वायर होगा वो तो स्टूडेंट्स उसमें बहुत इजी है सोचने का भी जरूरत नहीं है ये जो फर्स्ट ब्रैकेट में आपने टर्म लिखा है वो लिखने का फिर और उसको होल स्क्वायर दे देने का ठीक है तो फर्स्ट में क्या है ए है फिर बीच का साइन माइनस और सेकेंड ब्रैकेट में टू बी ए माइनस टू बी और उसका होल स्क्वायर ठीक है और जो पिछले वाले दो टर्म्स है वो हमने एज इट इज ही रखे हैं माइनस थ्री टाइम्स ए माइनस टू बी तो अब देखो स्टूडेंट्स ए माइनस टू बी हमारा दोनों टर्म्स में कॉमन आ जाता है राइट तो अब हम GCF मेथड का यूज करके यहाँ पे सब कुछ इज़ीली फैक्टराइज कर सकते हैं तो फाइनल आंसर आपका क्या आ जाएगा ए माइनस कॉमन निकाल दिया फर्स्ट एक्सप्रेशन या फर्स्ट टर्म के अंदर एक ए माइनस टू भी बचा होगा और सेकेंड टर्म में सिर्फ माइनस थ्री बचा होगा सो so, वो हमने एज इट इज लिख दिया है है समझ में आ रहा है ये grouping वाला, grouping ये ग्रुपिंग ग्रुपिंग वाला परफेक्ट सिर्फ तभी वर्क करेगा जब तीन टर्म्स आपके पास ऐसे हो जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर में एक्सप्रेस किए जा सकते हो ठीक है तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट थ्री टेक्निक स्टूडेंट्स खत्म होती है और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टेक्निक स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स आपको सिखाने वाले हैं। so, सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है नोटिफिकेशन पे प्रेस नहीं किया है तो करके रखिए अदरवाइज यू विल बी गोइंग टू मिस द वीडियो और अगर वीडियो पसंद आया है तो हिट द लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल थैंक यू सो मच